नमस्कार। अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को जिला उन्नाव गांव बदरका उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सेनापति थे और उन्हें पंडित जी, बलराज, क्विक सिल्वर और आज़ाद जैसे उपनामों से जाना जाता था। आज उनका जन्मदिवस है और मैं उनके जन्मदिवस पर उनके जीवन, संपूर्ण जीवन से जुड़े कुछ अंश प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। काकोरी कांड के पश्चात जब वे फरार चल रहे थे तो उन्हें पुलिस पकड़ रही थी, पकड़ने के लिए इधर उधर ढूंढ रही थी, तो उन्होंने साधु वेश धारण करना सीख लिया। साधु वेश धारण करना वो बखूबी सीख गए थे। जब उन्हें पता चला कि गाजीपुर के एक बाबा हैं जो मरणासन्न हालत में हैं, उन्हें उनकी जो मठ की संपत्ति है, अगर वो मर गए तो इन लोगों के नाम हो जाएगी और ये अपने क्रांतिकारी आंदोलन को अंजाम दे सकेंगे, तो इन्होंने क्या करा, ये लोग वहाँ पहुँच गए और वहाँ उनके चेले के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद रहने लगे साधु वेश धारण करके। जब कुछ दिन हो गए तो उन्हें पता चला कि साधु महाराज जो हैं, जो मृणासन हालत में थे, वे स्वस्थ और हट्टे कट्टे हो गए, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता भी हुई और वे बहुत हताश होकर वहाँ से चले आए। अपने दल के गठन के लिए वे मुंबई पहुँचे। मुंबई में उस समय मूक फिल्मों का दौर था, उन्होंने कई फिल्में देखी लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं हुए, उन्हें अच्छी नहीं लगी। इसी तरह से जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, वे उस समय के जो क्रांतिकारी थे उनकी ही तरह वे रूस की जो क्रांतिकारी कहानियाँ थीं उनसे बड़े प्रभावित रहते थे, उसके बारे में पढ़ा करते थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो थे पढ़ना ना पसंद करके सुनना, लोगों से उसके किस्से सुनना पसंद किया करते थे। और ऐसे ही जब चंद्रशेखर आज़ाद किसी समारोह में एक बड़े व्यवसायी सेठ प्यारेलाल के वहाँ पहुँचे एक समारोह में, तो उन्हें पता चला कि जब वो दोनों बात कर रहे थे, उन्हें पता चला कि पुलिस ने उनकी हवेली को चारों ओर से घेर लिया। आज़ाद को पकड़ने के लिए पुलिस को सूचना मिल गई थी, तो उन्होंने, हालांकि जो सेठ जी थे बहुत घबरा गए, लेकिन सेठ जी ने कहा, आज़ाद तुम घबराओ नहीं, मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो आज़ाद बोले, घबराइए मत सेठ जी, मैं बिना कानपुर के लोगों को यहाँ से मिठाई खिलाए नहीं जाऊंगा। और तब भी उनकी पत्नी से बोले, भाभी जी चलिए, लोगों को मिठाई खिलानी है, और वो अपने सर पे गमछा बांध, अब मिठाइयों का टोकरा रख, बाहर की ओर चल पड़े और लोगों को मिठाई खिलाते हुए वहाँ से वे पुलिस को भी मिठाई खिला के बाहर चले गए। पुलिस को ये पता ही नहीं लगा कि जिस परिंदे को पकड़ने आई थी वह परिंदा तो उन्हें मिठाई खिला के कब का उड़ गया। इस तरह के चतुर व्यक्तित्व के धनी थे चंद्रशेखर आज़ाद। फिर ऐसे ही जब वे फरार चल रहे थे, वे पुलिस से छिपकर जंगलों में बाबा भेष धारण करके, यानी कि साधु भेष धारण करके रहने लगे, तो देवयोग पुलिस उन्हीं के पास आई और उनसे बोली कि हे साधु महाराज, क्या आपने आज़ाद को देखा है? तो वो बोले, हे बच्चा, सभी आज़ाद हैं, क्या मैं आज़ाद नहीं? मैं भी तो आज़ाद हूँ। और क्योंकि वो सच बोलते थे, वे झूठ कभी नहीं बोलते थे, ये उनकी खूबी थी। तो पुलिस को लगा शायद हम किसी गलत व्यक्ति के पास आ गए हैं, गलत जगह आ गए हैं। पुलिस ने उनसे क्षमा मांगी और वहाँ से क्षमा मांग के चले गई। इस तरह से वीरता की एक नई परिभाषा आज़ाद ने लिखी थी, एक नई परिभाषा लिखी थी। और उनसे युवा इतने प्रभावित थे उस समय के, कि उनके बलिदान के पश्चात भी युवा उनसे प्रभावित होकर क्रांतिकारी आंदोलन में या उनके द्वारा चलाए गए क्रांतिकारी आंदोलन में कूदते रहे। और इसी तरह से जब उन्होंने जो सपना देखा था स्वतंत्रता का, हालांकि उनके जीवित रहते वो पूरा नहीं हुआ, परंतु उनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो ये सपना पूरा हुआ। और वो अपने जो दल के सदस्य थे उनके बीच में इतनी आदरणीय दृष्टि से देखे जाते थे कि उन्हें सब दल के सदस्य पंडित जी कह के संबोधित करते थे। इस तरह के महान व्यक्तित्व के धनी थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनका निधन, यानी कि जिनका उनका बलिदान दिवस होता है 27 फरवरी 1931 को अल्फर्ड पार्क प्रयाग अलाहाबाद में उनका बलिदान हुआ था। आज मैं उनके जन्मदिवस के दिन उन्हें अपने तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और आप सबसे निवेदन करती हूँ, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और कभी भी जब हमारे शहीदों का या बलिदानियों का जन्मदिवस आता है तो हमें उन्हें याद करना चाहिए। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी अब आपसे विदा लेती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।